विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। सीएम मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर जेजेपी के बलदेव सैनी समर्थकों सहित बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणधीर पूनिया ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। फतेहाबाद में इंसो ने सीएम मनोहर लाल के दौरे का विरोध करते हुए सीएम का पुतला फूंका। इंसो ने सीएम मनोहर लाल पर झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया। इंसो का कहना है कि 2014 में सीएम ने फतेहाबाद में सरकारी कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, जिसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। झज्जर के गांव खेड़ी खुमारके में सड़क पर गंदगी पसरी पड़ी है। ग्रामीण सड़क पर जमा कीचड़ से निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की समस्या को लेकर प्रशासन हालांकि उदासीन ही बना हुआ है। कालका में 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर स्पेशल सर्च अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान यात्रियों स्टेशन की गहनता से तलाशी ली गई। कुरुक्षेत्र में देर रात चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और ज्वेलरी और नकदी सहित 15 लाख की लूट कर फरार हो गए। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचकुला में सेक्टर 6 के अस्पताल में बने नशा मुक्ति केंद्र की सिक्योरिटी ने दो नशा तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नशा तस्कर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक को नशीला पदार्थ सप्लाई करने के लिए आए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोहाना में प्रेरक अध्यापकों की मांगे पूरी होने पर प्रेरकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। 2017 में सरकार ने प्रेरकों को कार्य मुक्त कर दिया था, जिसके बाद से प्रेरक अपने हक के लिए लड़ रहे थे। वहीं मांगों का स्थायी समाधान होने पर प्रेरकों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। झज्जर के खेड़ी खुमार गांव के जवान की मेरठ में ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। जवान 2009 में सेना में भर्ती हुआ था और इन दिनों वो मेरठ में ट्रेनिंग कर रहा था। जवान की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही गांव में मातम का माहौल है। 15 अगस्त को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस अलर्ट है। पुलिस सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने शहर में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने शहर के होटलों और गाड़ियों की तलाशी भी ली। झज्जर में सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे पूरी न होने पर किसान 14 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे।